दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी टू स्पीच एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें आपको सिंपली अपने टेक्स को इंटर करना है एंड देन आपको उसकी वॉइस ऑडियो को सिंपली डाउनलोड कर देना है आप चाहे तो उसकी ऑडियो जो भी उसकी वॉइस आप हिंदी लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हैं मराठी में भी इंग्लिश में भी या जिस भी आप लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को कॉपी यानी कि डाउनलोड करना चाहते हैं ऑडियो की फाइल में दोस्तों ये आगे हम मोबाइल की होम स्क्रीन पर तो मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद उस बेस्ट एप्लीकेशन टेक्स्ट टू स्पीच को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे तो दोस्तों यहां पर आपको क्या सर्च वाले आइकन पर सर्च करना होगा टी टू एस तो दोस्तों आपको टी टू एस लिख के सर्च कर देना तो जैसे ही आप टी टू एस लिखकर सर्च कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने पहली एप्लीकेशन आएगी टी टू एस नाम की एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस टाइप का टी लिखा हुआ है तो आपको इस एप्लीकेशन को यहां से डाउनलोड कर देना है जैसे कि आप देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको इसको यहां से बैक आ जाना रहा है तो जैसी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे यानी कि इंस्टॉल कर देंगे तो दोस्तों उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन में टी टू नाम के एस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको नाइस में साइन इन

हिंदी रख दी तो जैसे ही आप हिंदी रखेंगे तो ये आपके फोन में ये सेटिंग्स इसको करना होगा तो इसको आप क्या करना है इसको आपने रख देना है जीरो पॉइंट इसको आपने जीरो पॉइंट एट रखना है तो जैसे ही आप जीरो पॉइंट एट रखेंगे तो नीचे वाले को आप देखेंगे इसको रखना है आपको वन पॉइंट ये कहा गया आपको रखना वन पॉइंट जीरो रखना है जीरो पॉइंट एट दूसरे रखना वन पॉइंट जीरो बस टोटल ये दो सेटिंग्स करनी आपको पहली सेटिंग आ गई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है दूसरी आपकी आ गई स्पीच रेट और स्पीच पिच तो इतने सेटिंग करने के बाद आपको यहां से बैक आना है तो जैसे ही बैक आ जाएंगे अब जो भी यहां पर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसकी आपको ऑडियो देखने को मिल जाएगी टोटल एक सेकंड में अब आपने कोई भी जोक बुलवाना होगा ए आई वीडियो से कुछ भी तो हम आपसे कहां से ले लेंगे कोई भी आपने टिप्स बतानी होंगी जो भी आपने करना होगा तो हम आ जाएंगे गूगल पर तो जैसे ही गूगल पर आ जाएंगे हम लिख लेंगे हिंदी जोक तो आप कुछ भी लिख सकते हैं मैंने लिख लिया हिंदी जो तो मेरे सामने कुछ हिंदी जोक आ गए तो मैं इस जोक को क्लिक कर दूंगा तो जैसे ही मैंने इस जोक को क्लिक किया तो दोस्तों मैं इस जोक का यहां पर स्क्रीन ले लूंगा ये मैंने स्क्रीन ले लिया तो ध्यान से देखना आपको क्या करना है जैसे स्क्रीनशाट लेंगे तो आपके मोबाइल फोन में ऐसा एंटर फैसा ये देखिए नीचे आपको गूगल सर्च का कुछ ऑप्शन आ रहा है तो उसके साथ ही आपको वॉइस रिकॉर्ड के साथ ही आगे आ रहा होगा सर्च वाला आइकन यानी तो आपको सर्च वाले बार पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप सर्च वाले बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी एक जोक को ले सकते हैं आप चाहे तो सिंपली टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं मैंने आपको एक जोक कॉपी करके दिखा रहा हूं तो आपको इस जोक को ले लेना तो जैसे ही आप इस जोक को ले लेंगे तो यहां पर हम इस जोक को कर देंगे कॉपी तो दोस्तों ये कर दिया हमने इस जो को कॉपी कॉपी करने के बाद आपको नीचे कहा आएगा कॉपी टेक्स्ट तो आपको टेक्स कर लेना। आप तो कुछ भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं सकते हैं तो, आप तो आपको बाद में ओपन करना है तो जैसी आप टेक्स टू स्पीच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको उसको पेस्ट कर देना है तो जैसी आपने पेस्ट कर दिया तो पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी ऑडियो यहां पर सुनने वाले चलेगा मेरा साथ होगा लड़का मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूत नहीं है दोबारा देखना मैंने पहले इसकी ऑडियो कम रखी थी लड़की तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा लड़का मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूत नहीं है तो दोस्तों ये ये देखिए हमने जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी करने को देखे कितने बढ़िया तरीके से पूरा लगाया गया कंप्यूटर के, की पूरी हिंदी की देखिए देखिए चलेगा मेरा साया सा इस तरह के आप ऑडियो आप ऑडियो बना लेंगे तो अब क्या करना है आपको कुछ सेटिंग नहीं करना आपको टॉप करने पर थ्री थ्री दिखने तो आपको थ्री के आइकन पर क्लिक करने तो जैसी आप थ्री डाट्स के आइकन पर क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन आता है आपको सेव एज यानी कि एक्सपोर्ट सेव एज फाइल नहीं करना आपको ना ही ऑडियो सेव करना है रिलोट फाइल करना है तो आपको एक्सपोर्ट एज ऑडियो फाइल तो आपको एक्सपोर्ट एज ऑडियो फाइल करना क्योंकि हमें इसमें ऑडियो करें तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए नीचे क्या क्या रहा है पर आपको यहां से डायरेक्ट सेव करने नहीं लग जाना जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो आपको बाद में आप ऑडियो ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको अपनी फाइल मेजर में ऑडियो देखने को मिलेगी नहीं क्योंकि इसका कोई टाइटल ही नहीं होगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइटल दे देना है तो टाइटल पर क्लिक करेंगे टाइटल को कट करेंगे आप कुछ भी रख सकते हैं रखेंगे ट्वेंटी फाइव आपको कोई भी कोड रख लेना है उस नाम से ट्वेंटी फाइव जो कुछ भी आप ट्वेंटी फाइव जो कि ट्वेंटी फाइव कुछ भी रख सकते हैं तो आपको सेव के कर देना तो जैसे ही आप सेव आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट करें यहाँ पर आपकी जो ऑडियो एक्सपोर्ट हो रही है ये देखिए आपको यहाँ पर ऑडियो जिससे आपकी एक्सपोर्ट होगी तो आपको टोटल एक सेकंड लगेगा तो दोस्तों ये देखिए एक्सपोर्ट ऑडियो फिनिश कि हो गई फिनिश यानी कि हमारी हो गई तो अब आप उसको क्लोज कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो टोटल एक सेकंड के अंदर कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखना को आप इजली उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो की फाइल में हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे मराठी पंजाबी कुछ भी आपकी डोगरी किसी में भी आप उसको लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिए थैंक यू